आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ ठेकमा चौकी प्रभारी भगत सिंह हमरा के नेतृत्व में आज ठेकमा बाजार में चेकिंग अभियान चलाया गया। दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, गाड़ी चलाने के नियम भी बताए। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाने के लिए बताया गया। उनको सुझाव दिया गया कि तेज गति से गाड़ी न चलाए। जब भी कहीं पर टर्न लेते हैं तो इंडिकेटर का सहारा ले। सबसे पहले साइड ग्लास में पीछे देखें गाड़ी की गति कैसी है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी को घुमाने का प्रयास करें ताकि घटना को रोका जा सके। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। और कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत स्क्रौली का राजकीय महाविद्यालय पर छात्र छात्राओं को पहुंचने में परेशानियां होती हैं। राजकीय महाविद्यालय पर नगर पंचायत द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। बता दें कि महाविद्यालय पर जाने के लिए कायदे की एक सड़क भी नहीं है। वहीं विद्यालय के अनुकूल पर्यावरण न होने से सीमित से कम मात्रा में है। वहीं नगर पंचायत स्क्रौली स्थित बढ़िया बुजुर्ग में बना यह राजकीय महाविद्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से सीधे जाने की अच्छी सड़क मार्ग नहीं है। वहीं स्कूल के डॉक्टर राजेश कुमार चौरसिया ने बताया है कि नगर पंचायत की तरफ से इस स्कूल को कोई सुविधा नहीं मिलती, जो कि स्कूल जाने वाले रास्ते गड्ढे में तब्दील हैं। वहीं स्कूल के डॉक्टर विजय तिवारी ने बताया कि राजकीय विद्यालय के अगल बगल भट्टे लगे हुए हैं, इससे निकलने वाला गर्दा विद्यालय के वातावरण को गंदा कर देता है। कुशीनगर हाटा से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।